तो सखर में शोहर की मुबैना तशद्दुद से तंग खातून ने 3 साल की बेटी और 2 साल के बेटे के हमरा आपको बताएं कि नहर में छलांग लगा दी है। रेस्क्यू इदारे खातून और बच्चों को तलाश करने में मसरूफ हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों के इस्तेमाल के कुछ चीज़ें नहर के किनारे से मिली हैं। खातून के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी अपने शोहर के तशद्दुद से तंग थी। शोहर के तशद्दुद से तंग आकर खातून ने 2 बच्चों समेत सखर बैराज के करीब नाना किनाल में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। खातून और बच्चों की लाशें ताहाल ना मिल सकी हैं और इस वक्त आपको हम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि तलाश का सिलसिला अभी भी जारी है। 2 बच्चों समेत खातून ने सखर बैराज के करीब नाना किनाल में छलांग लगा दी है और लाशें नहीं मिल सकी। इस वक्त सूरत हाल बता रहे हैं वाकई की जगह मौजूद हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद। जी अली जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूं नारा केनाल पर। यहां इस जगह पर एक खातून ने 2 बच्चों समेत छलांग कर खुदकुशी कर ली है। यहां पर उस खातून के वर्षा मौजूद हैं और लाशों की तलाश के लिए मुंतजर हैं कि उन्हें लाश मिल जाए। हमारे साथ मौजूद हैं इस खातून के वालिद। हमारी बेटी ने खुदकशी की, कुछ दिनों से शोर के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहा, उस वजह से इंतहाई उसने कदम उठाया। खैरपुर से निकली है कोई 1 बजे, लेकिन इधर 3:30-4 बजे अंदाजा है उसने बच्चों 2 बच्चों के साथ एक बेटी एक बेटा और इंतहाई कदम उठाया है। अब इस टाइम हम मुंतजर हैं कि हमारे अपनी लाशें मिल जाए, गवर्नमेंट हमारी मदद करे। गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही। इस जगह पर इस वक्त भी ताहाल जो है वो खातून और 2 बच्चों की लाशें नहीं मिल सकी हैं। जी